अभी बात चल रही थी कि साहब ऊंटनी के दूध से कैंसर को सही किया जा सकता है, अभी बात चल रही थी साहब सेवन घास की, थारपारकर नस्ल की, ये तमाम चीजें हमारे उस तरफ है, पर उनको कलेक्ट करके यहां तक कौन ले आए? पशुधन सबसे ज्यादा है, पर डेयरी के मामले में हम बहुत पीछे हैं। अभी बात चल रही थी साहब इतने अनुपात में पशु है, डिमांड इतनी है, सप्लाई ये है, साहब हमारे वहां पे प्रोडक्शन बहुत है पर यहां तक लाने वाला कोई नहीं। तो मेरा निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि आप गांवों को मजबूत करने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी को और सुदृढ़ करें। हमारे उस तरफ, उस रेगिस्तान में, उस सीमांत क्षेत्र में आप कलेक्शंस के नए सेंटर आप डेवलप करें। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि ये RCDF जो है इसका नाम राजस्थान चोर ठेकेदारों की फेडरेशन कर दिया गया है। हमारे लिए, सभी के लिए ये बड़ी दुख की बात है और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से, आप कड़े फैसले लें, संवेदनशीलता दिखाएं, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो डेयरी है, ये सीधा आम आदमी से जुड़ाव रखती है। भ्रष्टाचार वाली बात हुई तो मैं आप लोगों को सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि डेयरी में कहीं भी भ्रष्टाचार की बात आए या मिलावट की शिकायत आए तो निश्चित रूप से आप मुझे सीधे उसकी शिकायत करें और हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप हम किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार और मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस संबंध में हम पूरी कार्रवाई करेंगे, चाहे अगला कितना भी प्रभावशाली आदमी है, उन लोगों को भी हम नहीं छोड़ेंगे और सख्त कार्रवाई करके उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे।